हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज फिर मैं आप लोग के लिए एक गवर्नमेंट वैकेंसी लेके आ गई हूँ। जी हाँ, सही सुना आपने, गवर्नमेंट वैकेंसी। जो मेरी ऑडियंस है वो कहती है, मैम आपने तो गवर्नमेंट जॉब ही निकालना शुरू कर दिया, हमारे लिए आप वीडियो नहीं बनाते हैं, प्राइवेट वालों का क्या होगा। सो डोंट वरी गाइस, मैं आप लोगों के लिए भी नए नए प्लेटफॉर्म लेके आऊँगी जहाँ से आप फ्री में पोस्टिंग कर सकते हैं, पेड टूल, फ्री टूल्स, जहाँ पे आप अपनी कंपनी के लिए हायरिंग कर सकते हैं। उसके लिए डिटेल में मैं वीडियो बनाऊंगी। अभी ही बात कर लेते हैं गवर्नमेंट वैकेंसीज की। तो ये है झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से नोटिफिकेशन आ गया है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि न्यू नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पे देख रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ झारखंड। जी हाँ, गवर्नमेंट ऑफ झारखंड की तरफ से नोटिफिकेशन आया है, ठीक है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से ये नोटिफिकेशन है। नोटिफिकेशन क्या है, नोटिफिकेशन की बात कर लेते हैं। तो ये है झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, ठीक है। स्टेनोग्राफर की रिक्रूटमेंट निकली है। किसकी निकली है, स्टेनोग्राफर रिक्रूटमेंट निकल चुकी है। भाई झारखंड वाले रेडी रहे, जो भी इस वैकेंसी का वेट कर रहे थे उनके लिए डिटेल वीडियो है और बहुत ही अच्छा रहने वाला है। तो बीच में स्किप ना करें, जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट है वो एंड तक देखें ताकि जो भी अभी इस वैकेंसी का वेट कर रहे थे झारखंड वाले कैंडिडेट, वो इस वैकेंसी को स्टेप बाय स्टेप फिल कर सके, ठीक है। बात कर लेते हैं पोस्ट का नाम जो रहेगा, JSSCE, इट मींस जो है झारखंड सचिवालय स्टेनोग्राफर रिक्रूटमेंट, या इसको आप कह सकते हैं एडवर्टाइजमेंट। नोटिफिकेशन क्या आया है भाई, इंपॉर्टेंट डेट्स क्या रहेंगी, एप्लीकेशन कब से शुरू हो रहे हैं, तो 6 सितंबर से एप्लीकेशन इसके शुरू हो गए हैं। लास्ट डेट इसकी 5 अक्टूबर है, यानी आपको अब पूरा पूरा 1 मंथ झारखंड गवर्नमेंट ने दे दिया है इस वैकेंसी को फुल करने के लिए, सॉरी फिल करने के लिए, ठीक है ना। तो करेक्शन डेट की बात कर लेते हैं, फोटो साइन अपलोड लास्ट डेट रहेगा 5 अक्टूबर, सेम रहेगा। करेक्शन डेट 7 अक्टूबर की रहेगी इसमें, ठीक है। एग्जाम डेट एज पर शेड्यूल रहेगा, एडमिट कार्ड रहेगा, बिफोर एग्जाम आपको पता चल जाएगा। बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फी की, एप्लीकेशन फी क्या रहेगी स्टेनोग्राफर के लिए, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 100 रुपीज फीस रहेगी और SC ST कैंडिडेट के लिए 50 रुपीज फीस रहेगी, जो रीजनेबल है। जो भी कैंडिडेट है वो इजिली इसको फिल कर सकता है एज पर इनकी गाइडलाइन और नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग। बात कर लेते हैं कि नोटिफिकेशन में एज लिमिट की क्या बात हुई है। तो एज लिमिट इसमें जो मिनिमम है 21 ईयर्स वाले जो कैंडिडेट है इसको अप्लाई कर सकते हैं, जिनकी भी एज 21 ईयर्स हो चुकी है या होने वाली है वो भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। मैक्सिमम एज जो इन्होंने मांगी है मेल की, तो 35 ईयर्स मेल मांगा है इन्होंने, और मैक्सिमम एज फीमेल के लिए बहुत अच्छा इन्होंने ऑप्शन दे दिया है, 38 ईयर्स फॉर फीमेल, यानी झारखंड गवर्नमेंट ने काफी एज लिमिट दे दी है गर्ल्स के लिए, ठीक है। एज रिलैक्सेशन की बात कर लेते हैं, तो एज रिलैक्सेशन, इतनी एज होने के बाद भी झारखंड गवर्नमेंट ने आपको रिलैक्सेशन दिया है, तो वो हम डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। अभी बात कर लेते हैं कि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पे देखने को आपको कितने मिल रहे हैं। तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी आपको मिल रही है, यहाँ 454 पोस्ट है, यानी 454 पोस्ट है, 500 से कम पोस्ट है, ठीक है, जितनी भी कम है, लेकिन जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं वो इसको फिल कर सकते हैं, ठीक है। पोस्ट नेम की हम बात कर लेते हैं, पोस्ट नेम क्या था, झारखंड स्वास्थ्य कार्यकर्ता फील्ड वर्कर एग्जाम है ये, ठीक है, और जिसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 454 है। इसकी एलिजिबिलिटी भी बात करते हैं, तो इसकी एलिजिबिलिटी जो है, बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम फ्रॉम एनी रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया। मोर एलिजिबिलिटी के लिए हम इसकी नोटिफिकेशन को डिटेल में चेक करेंगे, ठीक है। बात कर लेते हैं हम कैटेगरी वाइज वैकेंसी की, तो झारखंड सचिवालय अनुलिपिक्स जो पोस्ट है हमारी, ठीक है, यानी ये हिंदी में है लेकिन स्टेनोग्राफर इसको इंग्लिश में कहते हैं, ठीक है। तो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 182 पोस्ट है, ST कैंडिडेट के लिए 118 पोस्ट है, SC के लिए 44 पोस्ट है, OBC 1 के लिए 45 है, BC 2 के लिए 07 है, EWS के लिए 51 है। तो टोटल टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी कैटेगरी वाइज निकलती है यहाँ पे 454, ठीक है। अब चलते हैं इसके, ये वेबसाइट है इनकी, ठीक है, ऑनलाइन एप्लीकेशन अगर आप यहाँ चेक करेंगे तो यहाँ पे अप्लाई नाउ है, यहाँ पे आप इसको अप्लाई नाउ करेंगे तो आप इसकी साइट पे आ जाएंगे, ठीक है। अप्लाई करने का प्रोसीजर समझ लेते हैं, उससे पहले हमने इसका नोटिस
उससे पहले हम इसका नोटिफिकेशन देख लेते हैं। तो नोटिफिकेशन है, ये आगे है, ये झारखंड कर्मचारी चयन आयोग, ठीक है, ये इसका नोटिफिकेशन है। देखिए यहाँ पे जो हमने अभी बात की थी वीडियो में, कि 100 रुपये कैंडिडेट के लिए, 50 रुपये SC ST कैंडिडेट के लिए, ये हिंदी में है पूरा। तो बात कर लेते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है कि खेलकूद कोटा से कितना है कितना नहीं है, तो ये इसका चीज है। बात कर लेते हैं वेतन की, ठीक है। तो ये जो है पदनाम वर्गीकरण झारखंड सचिवालय की तरफ से, पे मैट्रिक से आपका लेवल होगा, लेवल 4 होगा, 25,500 से लेकर 81,100 रुपये तक ये आपको वेतन देंगे अगर आप ये एग्जाम पास कर लेते हैं, यानी इसमें आप उत्तीर्ण हो जाते हैं, ठीक है, पास कर लेते हैं, ठीक है। किसी भी मान्यता प्राप्त महाविद्यालय से आपने स्नातक की हो, यानी ग्रेजुएशन की हो, अथवा समकक्ष उत्तीर्ण। बात कर लेते हैं अब इसका प्रतियोगिता का स्तर क्या रहेगा, ठीक है, ये डिटेल में है, आप इसको सही से चेक कर लीजिएगा, ठीक है। और हम अभी नीचे लेके चलते हैं आपको, क्या नोटिफिकेशन है, ऑनलाइन आवेदन का इसमें दिया हुआ है कि आप इसकी वेबसाइट पे जाके इसको अपना आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। देखिए भाई, अब बात कर लेते हैं परीक्षा का जो स्वरूप है, पैटर्न क्या रहेगा एग्जामिनेशन, ठीक है। तो ये है, परीक्षा ली जाएगी किसके द्वारा, CBT द्वारा, ठीक है, OMR या फिर OMR के थ्रू या फिर CBT द्वारा आपकी एग्जाम होगा, ठीक है। इसमें क्या है, परीक्षा यदि विभिन्न समूह में लिया जाता है तो अभ्यर्थियों के प्राप्तांक यानी जो भी उन्होंने पास किया है उनका जो वो है, मतलब क्राइटेरिया है, वो चेक करेंगे कि क्या उनका क्राइटेरिया रहेगा। तो दो उसमें एग्जाम होगा आपका, फर्स्ट पेपर एंड सेकंड पेपर, कौशल जांच परीक्षा यानी जो नॉर्मल टेस्ट आपका लिया जाता है GK GS से रिलेटेड, ठीक है। तो ये जो प्रथम चरण आपका होगा, क्वालिफाइंग नेचर आपका होना चाहिए, मतलब इस एग्जाम में आपका पास होना बहुत जरूरी है, तभी आप सेकंड पेपर दे पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि इसमें हम बात कर लेते हैं कि प्रथम में क्या होगा, यानी फर्स्ट एग्जाम जो होगा उसमें क्या होगा, इसमें दो पत्र लिखे जाएंगे, ठीक है। कौशल जांच परीक्षा के लिए दो पत्र होंगे, दोनों पत्र के परीक्षा एक ही तिथि को आयोजित होगी, यानी सेम डे आपके दोनों पेपर होंगे, ठीक है। प्रथम में आपका होगा हिंदी, हिंदी आपको 500 शब्दों या 50 शब्दों में लिखनी होगी श्रुत लेख की तरह, ठीक है। फिर द्वितीय पेपर में आपका होगा, इसके अंतर्गत आपका कंप्यूटर चेक होगा कि कंप्यूटर का क्या है क्या नहीं है, MS Excel आपको आता है, MS PowerPoint आता है या नहीं। द्वितीय चरण में लिखित परीक्षा होगी, ठीक है। द्वितीय चरण में कितना लिखित परीक्षा होगी, तो इसमें हिंदी भाषा का ज्ञान आपको होना चाहिए, अंग्रेजी भाषा, सामान्य अध्ययन, तर्क एवं मानसिक क्षमता। तो टोटल नंबर ऑफ पैटर्न सब्जेक्ट रहेगा 25 25, तो टोटल यहाँ पे 100 मार्क्स का पेपर होगा, 300 अंक का ये टोटल होगा। प्रथम में 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है, इन्होंने लिख दिया 30% अंक, ठीक है। तो ये थी इसकी डिटेल, हिंदी का इन्होंने दिया हुआ है सब्जेक्ट कि क्या पूछा जाएगा क्या नहीं पूछा जाएगा, इंग्लिश में लिटरेचर में आपका क्या पूछा जाएगा। तो ये सारी डिटेल है, आई होप आप लोगों को समझ आया है कि क्या नहीं है, एग्जाम पैटर्न कैसा रहेगा कैसा नहीं रहेगा। एज अ स्टेनोग्राफर जो भी इस वैकेंसी का वेट कर रहे थे वो इसको अच्छे से फिल कर सकते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं एप्लीकेशन आप फिल कैसे करेंगे। तो ये है वेबसाइट, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दूंगी, इजीली वहां पे क्लिक करके आप इस पेज पे आ सकते हैं, डायरेक्ट ये इस पेज पे रीडायरेक्ट होगी। अगर आपने रजिस्ट्रेशन पहले से किया हुआ है तो रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आपको लगाना होगा, ठीक है। अगर आप न्यू कैंडिडेट हैं तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाना होगा, न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाकर आप अपना फर्स्ट नेम फिल करेंगे, लास्ट नेम और आपका फुल नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, इंडिया के सिटीजन है तो इंडिया का, और डेट ऑफ बर्थ और कैप्चा फिल करके रजिस्टर कर दीजिएगा, ये आपको यूजर नेम और पासवर्ड देगा, तो आप यहाँ रजिस्टर हो जाएंगे। बाकी का प्रोसीजर आप आगे जब इसको फिल करेंगे तो आपको मिल जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ आया, जल्दी से इसको फिल कर लीजिए, छोड़ना मत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, बाय बाय।